नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज और मैं हूं तनु। सिवान की पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित भागलपुर जेल में बंद अजहरुद्दीन उर्फ ललन मियां की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विशेष कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। तकनीकी खराबी से ऐसा हुआ। लंबे समय के बाद सीबीआई की ओर से गुरुवार को विशेष कोर्ट में गवाह को पेश किया गया, लेकिन उसकी गवाही दर्ज नहीं हो सकी। बिना गवाही के ही वो लौट गया। विशेष कोर्ट ने गवाही के लिए अगली तिथि 8 अक्टूबर को निर्धारित की है। इधर राजदेव रंजन हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरपुर जेल में बंद आरोपित सोनू कुमार गुप्ता की ओर से विशेष कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। सोनू को सिवान पुलिस ने 25 जून 2016 को गिरफ्तार किया था। 26 जून 2016 को वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है, जिसकी जमानत की अर्जी पर भी सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। 18 सितंबर को सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक वीके सिंह की अर्जी पर कोर्ट ने गवाह को समन जारी किया था। इसी समन के आधार पर सीबीआई ने गवाह को पेश किया। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 1.5 साल से पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में गवाही रुकी हुई थी। अब तक इस मामले में सीबीआई की ओर से 17 गवाहों की गवाही दर्ज कराई जा चुकी है। गवाहों के कोर्ट में मौजूद नहीं होने से आगे की सुनवाई रुकी हुई थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शरद सिन्हा ने आरोपितों का संदेह कोर्ट में पेश करने या उन्हें जमानत देने की कोर्ट से प्रार्थना की। आपको बता दें कि यह मामला 13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन को गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरू में इसकी जांच पुलिस ने की, बाद में सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहबुद्दीन सहित 8 आरोपितों के विरुद्ध 21 अगस्त 2017 को विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहबुद्दीन सहित 8 आरोपितों के विरुद्ध 21 सितंबर 2017 को विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। पिछले जून में पूर्व सांसद मोहम्मद शहबुद्दीन की मौत हो गई। फिलहाल MP MLA के लिए गठित विशेष कोर्ट में मामले का सत्र विचारण चल रहा है। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे लाइव 10 न्यूज के साथ।